Okay, so here we have two tables, ठीक है ना? So let's discuss full outer join. Ab now we have discussed the left outer join and right outer join, ठीक है ना? तो हमने ये देखा था कि right outer join क्या करता है, full outer join क्या करता है और inner join क्या करता है। हमने एक ही एग्जाम्पल यूज की थी और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनर ज्वाइन यूज किया। इनर ज्वाइन में हमने ये देखा कि वी वर गेटिंग ओनली दी मैचिंग रोज, ठीक है, यानी हमारे पास सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहा था जो दोनों टेबल से मैच करता है, ठीक है। और उसके लिए हम ऑन का कीवर्ड यूज कर रहे थे। कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे थे? ऑन का कीवर्ड जो था वो हमारे पास, हम वो यूज कर रहे थे। और हमारे पास क्या आ रहा था? हमारे पास मैचिंग कॉलम्स आ रही थी। फिर हमने कहा नहीं, हमें तो ऐसा है कि हमारा जो लेफ्ट टेबल है ना, उस हमने कंडीशन को बढ़ाया। कंडीशन को बढ़ा के हमने कहा कि अब जो डेटा है ना वो हमारे पास ऐसे आने चाहिए कि हमारे पास दोनों टेबल से सेम डेटा है, यानी मैचिंग रिकॉर्ड्स आए। लेकिन जो हमारा टेबल लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट का टेबल क्या होता है? लेफ्ट का टेबल वाला टेबल होता है जो पहले आपने क्यूरी के अंदर मेंशन किया होता है, ठीक है। यानी आपने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय इज योर लेफ्ट टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय का जो टेबल होगा वो कौन सा कहलाएगा? लेफ्ट टेबल। और डिपार्टमेंट का जो टेबल है वो अभी इस कंडीशन के अंदर क्या कहलाएगा? राइट टेबल कहलाएगा। कौन सा टेबल कहलाएगा? राइट का टेबल कहलाएगा। तो हम इसको ये कह रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करते हैं तो वी आर डिटरमाइनिंग दैट इन लेफ्ट आउटर ज्वाइन मैचिंग रोज प्लस द नॉन मैचिंग रोज From the left table will be shown in the result set. तो यानी जब आप इस क्यूरी को रन करेंगे और आपने ज्वाइन कौन सा यूज किया है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो आप वहां पर ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक तो मैचिंग रोज आ जाए दोनों टेबल से, यानी जो इनर ज्वाइन में काम हो रहा था पहला काम तो वही हो जाए। सेकेंडली उसके साथ साथ अगर कोई रोज ऐसी है जो कि आपके पास नॉन मैचिंग है लेफ्ट के टेबल के अंदर, यानी एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, क्योंकि हमारी कंडीशन के अंदर एम्प्लॉय इज द लेफ्ट टेबल, ठीक है। तो फिर क्या हो? तो फिर ऐसा हो कि हमारे पास उस टेबल से सारा रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है, और इसके अलावा दोनों टेबल से मैचिंग रोज आ जाए, यानी नॉन मैचिंग रोज जो लेफ्ट के टेबल में बच गई है, जो यूज नहीं हुई, वो भी आपके रिजल्ट के अंदर शो हो जाए। देन वी हैव राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि राइट आउटर ज्वाइन क्या कहता है? वो ये कहता है कि सेम काम होगा, यानी आपके पास मैचिंग कॉलम्स भी आएंगे, यानी मैचिंग रोज का डेटा भी आएगा, और साथ के साथ आपके पास लेफ्ट की जगह आप राइट के टेबल से जो नॉन मैचिंग रोज हैं उनका रिजल्ट आएगा। यानी पहले क्या हो रहा था? पहले आपके पास इनर ज्वाइन के अंदर मैचिंग रोज आई, फिर आपने कहा मैचिंग रोज के साथ हमें लेफ्ट के टेबल से नॉन मैचिंग रोज भी चाहिए, वो आ गया। फिर आपने बोला नहीं, हमें मैचिंग रोज चाहिए और साथ में हमें राइट से जो है ना नॉन मैचिंग रोज चाहिए, तो फिर आपने वाला ज्वाइन यूज कर लिया। अब इसके बाद जो लास्ट इधर टाइप आती है दैट इज फुल आउटर ज्वाइन। अब फुल आउटर ज्वाइन क्या कहता है? अगर आप इस पिक्चर को देखें तो फुल आउटर ज्वाइन ये कहता है इट इज यूज टू रिट्रीव ऑल दी मैचिंग रिकॉर्ड्स। यानी अब हम फुल आउटर ज्वाइन को जब यूज करते हैं तो इट मीन्स के वी आर वांटिंग all the non matching plus the matching records from the both tables, यानी हम यहाँ पर ये चीज डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या हो कि दोनों टेबल से एक तो मैचिंग रिकॉर्ड भी आ जाए और प्लस आपके पास नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी आ जाए। इन सिंपल टर्म्स आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो आपके पास फुल आउटर ज्वाइन है ये लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी जब आप बोलते हो कि भाई हमें राइट का भी रिजल्ट चाहिए, लेफ्ट वाला रिजल्ट भी चाहिए, तो आप उन दोनों को अलग अलग यूज करने के बजाय यू विल यूज फुल आउटर ज्वाइन। आप कौन सा ज्वाइन यूज करेंगे? फुल आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। सो वी हैव अ टेबल सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड वी हैव अनदर टेबल दैट इज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। और इसको रन करते हैं। अच्छा सही है, एम्प्लॉय नाम होगा। एम्प्लॉय नाम नहीं था, थिंक कस्टमर होगा। लेट्स सी डमी ज्वाइन के अंदर हमारे पास क्या है, ओके स्टूडेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स का टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब ये दोनों टेबल को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास देखें ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं और ये यहाँ पर क्या आ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जो नल है यानी नॉन मैचिंग है, यहाँ पर दो रिकॉर्ड ऐसे हैं और यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड ऐसा है डिपार्टमेंट के अंदर जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, नल है, ठीक है। सो नाउ लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या है, लेफ्ट टेबल है, इट विल आउटर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन एक बार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन किसको करेगा, ये डिपार्टमेंट को, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे ऑन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आप कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर एलियास यूज कर लेंगे तो एस डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, ठीक है। सो अब इस क्यूरी को मैं रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तो मैचिंग रिकॉर्ड भी आ रहा है, नॉन मैचिंग आ रहा है। नॉन मैचिंग का आपको कैसे पता चल रहा है कि जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है वहां पर नल नल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनर ज्वाइन यूज किया होता है इस जगह, यानी लाइक मैंने अगर यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन की जगह मैं सिर्फ ज्वाइन लिखता हूँ और हमें पता है कि डिफॉल्ट ज्वाइन कौन सा होता है, इनर ज्वाइन होता है, तो अभी ये दो रिकॉर्ड्स यहाँ से हट जाएंगे, अहमद का और अब्दुल रहमान का रिकॉर्ड। तो देखें अब्दुल रहमान का और अहमद का रिकॉर्ड यहाँ से चला गया, तो वो अहमद और अब्दुल रहमान का रिकॉर्ड यहाँ पर क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई किया था और लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या कर रहा था, स्टूडेंट के टेबल से जो आपके पास नॉन मैचिंग कॉलम्स हैं, नॉन मैचिंग रोज है, उनका डेटा भी यहाँ पर शो कर रहा था। तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यू कैन सी के वी आर गेटिंग टू नल रिजल्ट। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट की जगह यहाँ पे कर देता हूँ राइट, सो अब क्या होगा, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो राइट के टेबल से अगर कोई नल रिजल्ट होगा तो वो देखो आपके पास आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास राइट साइड से कोई नल वैल्यूज हैं तो वो भी आपके पास फिर यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीबीए का कोई स्टूडेंट नहीं है, यानी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो बीबीए से बिलोंग करता है, तो इस वजह से बीबीए का रिजल्ट राइट के टेबल में मौजूद है, तो बीबीए का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट मौजूद नहीं है जो कि बीबीए से बिलोंग करता हो। इसी तरह से एक हमारे पास और डिपार्टमेंट है जिसको हमने नल रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट है नल का जो जिससे भी एक और स्टूडेंट कोई बिलोंग नहीं करता। तो ये जो यहाँ पर ये जो बीबीए और नल वाला रिजल्ट आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने राइट आउटर ज्वाइन को यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई नहीं, हम चाहते हैं कि दोनों रिजल्ट आए, ठीक है, तमाम डेटा आ जाए, तो उसकी जगह फिर हम क्या यूज कर लेंगे, फुल आउटर ज्वाइन। क्या यूज कर लेंगे, फुल आउटर ज्वाइन। तो अब क्या होगा कि पहले हमने लेफ्ट और राइट को अलग अलग करके देखा, अब क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करना चाहते हैं तो वी कैन यूज दी फुल आउटर ज्वाइन। तो मैंने यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया तो अब आप देखो कि अब्दुल रहमान और अहमद वाला डेटा ये दोनों भी आ रहे हैं। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन से आ रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, बीबी और नल, ये आ रहे हैं राइट आउटर ज्वाइन से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट और राइट दोनों का काम आप एक साथ देखना चाहते हो, दोनों को एक साथ यूज करना चाहते हो, एक ही रिजल्ट दोनों का प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो फिर आप यूज कर सकते हो फुल आउटर ज्वाइन। और फुल आउटर ज्वाइन को यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट हैव टू राइट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन यू हैव टू राइट द फुल आउटर ज्वाइन एंड यू विल सी ऑल द नॉन मैचिंग प्लस मैचिंग रोज फ्रॉम दी बोथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास जो है वो अब देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ना वो हम फुल आउटर ज्वाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।